हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं ये डिज़ाइनर सूट आपको खुद से ही घर में ही डिज़ाइन करना बताऊंगी कि हम प्लेन कपड़े के ऊपर इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इतना सुंदर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएँ। अब इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो देखिए, ये एक लेस थी मेरे पास पड़ी हुई, ऐसी कोई आधा मीटर के करीब ये लेस पड़ी हुई थी, इंच टेप, सीजर, और ये बहुत ही सुंदर एक गोटे वाली लेस है। इसमें ट्रायंगल शेप में गोटा निकला हुआ है। और ये बटन, तीन बटन चाहिए इसके लिए, और चौक निशान लगाने के लिए। ये कपड़ा है, एक साइड ब्रॉकेट है और एक साइड प्लेन चंदेरी है, और ये मोतियों वाली लेस है, और ये गोटा है। और ये सामान हमें इजीली कहीं भी शॉप पर मिल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पहले हम, ये मेरा एक पुराना सूट है तो इसका हमने ये बॉटम नापा, जो नीचे का हमारे सूट का घेरा होता है वो देखेंगे हम कितना है, उसी के हिसाब से उतना ही हम डिज़ाइन करेंगे जिससे कि थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हमें ना करनी पड़े। तो ये बॉटम है हमारा 22 इंची, तो ये 22 इंची है, इसमें प्लस 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे तो 24 इंची हो गया। अब 24 इंची पर हम इस गोटे से इसे डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए 24 इंची, अब ये पार्ट हमने 24 इंची काट कर 24 इंची पर हम डिज़ाइन करें। 24 इंची हमारे कपड़े की इसकी चौड़ाई थी। अब 24 में से हम 9 एक साइड से और 9 एक साइड से निशान लगाएंगे 9-9 इंची पर, और बीच में हम 6 इंची प्लेन छोड़ देंगे। अब स्केल की सहायता से हम इसमें 1-1 इंच की दूरी पर लंबी लंबी लाइनें खींचेंगे, और ये करीब 8 लाइन के करीब आएंगी, तो मतलब 8 लेयर हमारी गोटे की लगेंगी, एक साइड 8 लेयर, दूसरी साइड भी 8 लेयर। कपड़े की लंबाई की नीचे की 10 इंच प्लेन छोड़ देंगे, ये लाइनें नहीं खींचनी है, उसे हम बाद में अलग से डिज़ाइन करेंगे। तो पहले हम ये ऊपर का डिज़ाइन कर लेते हैं, दोनों साइड से 9-9 इंच पर 8 लाइनें खींचनी है 1-1 इंच की दूरी पर। ये लाइनें जो हम खींच रहे हैं, इन्हीं लाइनों में हम सीधा सीधा निशान अगर लगा लेंगे तो हमें गोटा लगाने में ईजी रहेगा। अब जो हमने 10 इंच छोड़ी है उसमें भी हम लेटी हुई लाइनें 4 लाइनें खींच लेंगे, 4 लाइनें खींच ली। ये देखिए, अब ठीक इसी तरह हम बैक करेंगे, बैक में भी ये देखिए मैंने लाइनें पहले ही खींच ली हैं, लंबी लंबी लाइनें 1-1 इंच की दूरी पर। अब हम इसमें गोटा लगाएंगे जो हमने लाइनें खींची हैं, तो हर लाइन के ऊपर गोटा रख कर और मशीन से उसे सिल लेंगे। ये देखिए लाइनें खींची हुई हैं, तो इसलिए हमारा गोटा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सीधा गोटा लगेगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना कि लाइनों के ऊपर गोटा रख के, और उससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब ये मैंने नीचे की साइड जो हमारा घेरा है सूट का, नीचे की साइड में इसमें लेस लगा रही हूँ, जो मैंने आपको चौड़ी वाली लेस दिखाई थी वो, और एक गोटे वाली लेस दिखाई थी जिसमें ट्रायंगल शेप में कंगूरे निकले हुए हैं, वो दोनों साइड में चौड़ी वाली लेस के कंगूरे वाली लेस रख के वो लगाऊंगी। और ये जो हमने 4 लाइनें लेटी हुई खींची थी, अब उसके ऊपर हम ये गोटा लगाएंगे, और जो हम ऊपर से ये सीधी लाइनें लेकर आ रहे हैं उसे नीचे से काटेंगे नहीं, क्योंकि काटने से फिर हमें ये लेटी हुई लाइन लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी और उसका लेस का धागा धागा निकलेगा। अब यहाँ नीचे से अब उसका लेस का घेरा फिनिश करेंगे, जो मोतियों वाली लेस थी एंड में हम लेस में वो लगाएंगे। और ये मोतियों वाली लेस और जो हमने पहले चौड़ी वाली लेस लगाई है, दोनों के बीच में करीब 1.25 इंच का मार्जिन गैप रखेंगे जिससे कि दोनों लेसें अलग अलग दिखाई दें। अब हम ये ऊपर से गला तैयार करेंगे, गले के लिए मैंने ये 12 इंच की लेस काटी है वही, और इसके दोनों साइड में वही कंगूरे वाली लेस लगाते हुए इसे सिल लूँगी, और ऊपर से शोल्डर से करीब 6 इंच छोड़कर मैं ये लेस लगाऊंगी, क्योंकि गला बनाने के लिए हमें इतना स्पेस चाहिए, 7 इंच का हमारा गला बनेगा तो 6 इंच मैंने छोड़ा हुआ ऊपर से। और इसमें मैंने ग्लू गन से जो मैंने 3 बटन दिखाए थे उस लेस के ऊपर मैंने वो भी लगा दिए हैं,
ये देखिए, और ये वही जगह है जो हमने 6 इंच बीच में से छोड़ी है, 9-9 इंच दोनों साइड से ली थी ना, बीच में 6 इंच छोड़ी थी, उसी जगह पे मैंने ये बीच में गले के लिए लेस लगाई है। आप ऐसे ही ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको नीचे से बॉर्डर भी। अब ये इसी तरह से मैंने बैक तैयार कर लिया सेम, और बैक में मैंने बीच में 6 इंच छोड़ा नहीं है, बैक में पूरे में 1-1 इंच। ये देखिए ऐसे ही मैंने सेम प्लाजो तैयार किया हुआ है। ये इसमें 6 लेयर गोटे की लगाई है, 1 ही मोतियों वाली चेन लगाई है, और ये मैंने मार्जिन के लिए छोड़ा है। जो हम ऐसे जब प्लाजो बनाएंगे तो फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए ना, उसके लिए मैंने छोड़ दिया है कपड़ा। और प्लाजो के लिए आप ये सोचे कि आप बिना कटिंग के कैसे करेंगे, तो प्लाजो के लिए हमें ये कपड़े के जो 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ले पे एक पैर का बना दिया और दूसरे पल्ले पे दूसरे पैर का बना दिया, तो प्लाजो के लिए ये डिजाइन बनाना बहुत इजी है बिना कटिंग के। और अगर आप सलवार पे बना रहे हैं, सलवार बनाना चाहते हैं, तो सलवार के लिए सिर्फ एक ही पल्ले पे ये डिजाइन बनाएं, क्योंकि सलवार के एक ही पल्ले जो घुटना होता है वो एक ही पल्ला दोनों में आ जाता है, दोनों सलवार के पैरों में। और अगर पैंट चाहिए तो पैंट के लिए भी हमें एक इस पल्ले पे और एक दूसरे पल्ले पे पैंट के लिए भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं अगर पैंट बनानी हो तो। फिलहाल मैं इसके साथ प्लाजो बना रही हूँ, तो इसलिए प्लाजो के लिए मैंने ये दोनों पल्लों पे ये डिज़ाइन कर लिया है। देखिए सिलने के बाद ये सूट ऐसा लगेगा, ये फ्रंट है और ये बैक है। ये सूट सिलने के बाद ऐसा लगेगा, और मैं इसकी सिलाई की वीडियो भी डालूंगी नेक्स्ट, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि मैंने आप ये कैसे सिला है, तो आप वो भी समझ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा राधे, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। फिर मिलेंगे, हरे कृष्णा राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो में।